I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a topic which is commonly equally important for all of us, that is NEP 2020, Rashtriya Shiksha Niti 2020, jis par पिछले दो साल से बातचीत हो रही है. इन्यूमेरस वेबिनार हो चुके हैं, सेमिनार हो चुके हैं, बुक्स आ गई हैं, एडिटेड बुक आ गई हैं, एफडीपी हो गया है, वर्कशॉप हो गया है, सब कुछ हो गया है, तब भी ऐसा क्या है एनईपी 2020 में कि इतनी उस पर बात की जा रही है, तब भी उस पर बातचीत अभी चल ही रही है. तो उसकी दो वजह हैं. एक तो ये छाछठ पन्ने का, अगर आप इंग्लिश में देखें तो ये पीडीएफ मटेरियल हमको मिलता है, 66 पेजेस हैं, और आप इसको बहुत जल्दी में नहीं पढ़ सकते. क्यों जल्दी में नहीं पढ़ सकते? क्योंकि एक एक शब्द जो इसमें लिखा है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो अपने आप में उस पर बातचीत की जा सकती है आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे आराम से. अपने आप में एक पूरा विषय है वो. इसलिए आप इसे पहली बात जल्दी में नहीं पढ़ सकते. दूसरी बात, इतनी इसमें आमूल चूल परिवर्तन की बात की गई है कि हम पहली नज़र में तो हम पहले जाने, ये जान जाए कि एनईपी 2020 में बात क्या की गई है. ये तो नॉलेज का पहला लेवल होगा. फिर जब हम जान ले, समझ ले, तब हम बात करेंगे इश्यूज एंड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज की, कि क्या ये अवसर हमको प्रदान कर रहा है और क्या चुनौतियां आएंगी अगर हम इसको अपनाना चाहेंगे तो. चूंकि बहुत लंबा मैटर है, इस पर अगर छोटा छोटा टुकड़ों में बना के बात करती तो बहुत सारी पीपीटी बन रही थी. तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको रनिंग मैटर में रखते हैं और देखते हैं कितना देर लगती है इसको सम अप करने में. तो चूंकि मैं एनईपी पे दो वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, एक हायर एजुकेशन पे और एक इंक्लूसिव एजुकेशन पे, तो वो मैटर इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिया, बस थोड़ा सा लिया है. तो एक कोशिश करते हैं कि देखें हम एनईपी 2020 को एक सिटिंग में समझ पाते हैं कि नहीं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले बहुत प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव में तो ओ माय गॉड कितने प्रश्न बन सकते हैं एनईपी 2020 से, यू कांट इमेजिन. और सब्जेक्टिव में भी वही बात है, कहीं भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, कुछ भी जाएंगे, तो चूंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए या शिक्षा से नहीं भी जुड़े हुए हैं, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में है तो शिक्षा से तो वैसे ही जुड़े हुए हैं. दूसरी बात, अगर आप शिक्षा से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, आप पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, तो भी आपको एनईपी 2020 के बारे में पता होना चाहिए कि देश किस तरफ शिक्षा नीति को अपने देखता है, देश की शिक्षा नीति शिक्षा को, भविष्य की शिक्षा को किस तरह से देखती है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो ये कि चार भागों में विभक्त है. कौन कौन से भाग है? स्कूल एजुकेशन पे बात की गई है, हायर एजुकेशन पे बात की गई है, अदर की एरियाज ऑफ फोकस और मेकिंग इट हैपन, मतलब कैसे इसको बनाया जाएगा. तो फिर ऐसा मत समझिए कोई ऐसा विषय नहीं है जो इससे छूटा है, प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, एवरीथिंग. तो सबसे पहले कहाँ से हम इसकी शुरुआत करें? शुरुआत वहीं से होगी कि द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड इन गोल 4 SDG 4. देखिए इतनी बात हो चुकी है सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, ये आगे मैंने बता दिया है आपको कि कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. 17 SDGs तय किए गए हैं, जिसमें से नंबर 4 पर जो आता है वो शिक्षा की बात करता है, वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है. 2030 का ये एजेंडा है, मतलब कि माना गया कि 2030 तक हम पा लेंगे, और 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया तो माना गया था कि अगले 15 सालों में हम पा लेंगे, लेकिन देखिए हम 2022 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. क्या कह रहा है ये एसडीजी 4? टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, ओके दो बार आ गया, टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाई 2030. वो मान रहे हैं कि हमको समेकित शिक्षा, समतामूलक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पानी है, मतलब ताकि हम सबको प्रोवाइड कर पाए, और लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, मतलब जीवन पर्यंत लोग सीख सकें, ऐसे अवसर हमको देने हैं 2030 तक. ये एजेंडा 2030 में हम पा लेंगे ऐसा 2015 में, चूंकि यूनाइटेड नेशन के हम मतलब भागीदार बैठते हैं, तो हमने साइन किया, तो सबने साइन किया, तो हमने भी साइन कर लिया, और इसका ये चौथा नंबर है. लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि एसडीजी इतनी बात हो रही तो है कितने, 17 है, ये मैंने आगे बताने की कोशिश की है, ये आपके एनईपी वाले डॉक्यूमेंट में नहीं था. क्या है ये एजेंडा? ये 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन स्टेट्स इन 2015 प्रोवाइड्स अ शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर. At its heart are 17 SDGs. The SDGs build on decades of work by countries and the UN, including the UN Department of Economic and Social Affairs. मतलब 2015 में इसको साइन किया गया, ये माना गया कि जितने भी एजेंडा है वो 2030 तक
उठा लिए जाएंगे, कितने एजेंडा तय किए गए, 17 एजेंडा तय किए गए, किसने तय किया, जो बहुत सारे देशों ने बहुत सालों तक काम किया, और उसके अलावा मेनली यूएन डिपार्टमेंट, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने इसको तय करके सुनिश्चित किया। तो हम 17 के आप नाम याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हमको नंबर 4 और 5 पता होना चाहिए। नंबर 4 किसका है, आपका क्वालिटी एजुकेशन है, और नंबर 5 क्या है, जेंडर सेंसिटिविटी या जेंडर इक्वालिटी। तो पहला क्या है, इसको बस क्विकली पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि बहुत सारा मैटर है इसमें बताने के लिए। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथे नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन, फिर जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड वर्कफोर्स, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो, सब कुछ पा लेना चाहते हैं। मतलब कि हम ऐसा सस्टेनेबल अपनी सोसाइटी बना लें कि सब समतामूलक शिक्षा हो, कोई भूखा ना हो, सबके पास साफ सुथरी चीजें हो, रहने ओढ़ने पहनने के लिए समता, जेंडर के लिए इक्वालिटी हो, हम डिसेंट वर्क कर पाए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एवरीथिंग, सारे एजेंडा ये कवर करता है। तो हमको सबसे मतलब नहीं, हम सिर्फ चौथे और पांचवें से सरोकार है हमारा, और यहाँ पर सिर्फ चौथे, जो चूंकि हमने 2015 में साइन किया है इसको कि हम 2030 तक पा लेंगे, तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है वो इस पर आ रही है कि हम नंबर 4 वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रख के बना रहे हैं कि हमको इंक्लूसिव, इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन सबको प्रोवाइड करनी है। ठीक बात, अच्छा फिर उसके बाद बात करते हैं पेडागॉजी कैसी होनी चाहिए इन अकॉर्डिंग टू एनईपी। पेडागॉजी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल एंड ऑफकोर्स एंजॉयबल। क्या कहा था मैंने कि एक एक शब्द एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर एक वीडियो बन सकता है, होलिस्टिक पे, इंटीग्रेटेड पे, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल और एंजॉयबल, सब पर। तो इसलिए आप इसको जल्दी में नहीं पढ़ सकते, कहने का मतलब है कि ये अनुभव परक शिक्षा हो, संपूर्ण शिक्षा हो, समेकित शिक्षा हो, हम उसमें कुछ इंक्वायर कर सके, मतलब रोट मेमोराइजेशन को हटाया गया है, डिस्कवरी ओरिएंटेड हो, बच्चा कुछ ढूंढे, स्टूडेंट इंडिविजुअल लर्नर कुछ उसमें ढूंढे, कुछ खोज करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, अधिगमकर्ता केंद्रित हो, डिस्कशन बेस्ड हो, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इसका की पॉइंट है, ओके, फ्लेक्सिबल हो, और ऑफकोर्स कि आपको इसमें खुशी मिले। इतना कुछ तो पेडागॉजी को अपने आप को चेंज करना है, मस्ट इवॉल्व, ऐसी नहीं है। एजुकेशन क्या हो, एजुकेशन मस्ट बिल्ड कैरेक्टर एंड इनेबल लर्नर्स टू बी इथिकल। देखिए वो ये नहीं कह रहे हैं कि साइंटिफिक हो जाएं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत धनवान हो जाएं, बहुत अच्छा आपका एक पैकेज हो जाए सैलरी का, ये सारी बातें नहीं की जा रही, इथिकल बनिए। सबसे पहले कह रहा है आपसे कौन, एनईपी 2020, रैशनल हो, पहले इथिकल बनिए फिर तार्किक बनिए, कंपैशनेट होइए, केयरिंग होइए, केयरिंग एक दूसरे के प्रति, पीयर ग्रुप के प्रति, अपने दूसरे जेंडर के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, गार्जियंस के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, है ना, व्हाइल एट द सेम टाइम प्रिपेयरिंग मेन फॉर गेनफुल फुलफिलिंग एम्प्लॉयमेंट। और लास्ट में कह रहा है कि हमको सिर्फ यही नहीं करना है, हमको एम्प्लॉयमेंट भी पाना है, पर हमको इथिकल, रेशनल, कंपैशनेट और केयरिंग भी बनना है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, और कैरेक्टर तो चरित्र निर्माण तो करे ही। अब इस पर नहीं जाएंगे कि चरित्र निर्माण और इथिकल नहीं होने से कितने लाभ हैं आप देख रहे हैं समाज में, सॉरी क्या हानियां हैं। फिर लर्निंग गैप्स, पाया गया कि बहुत सारे लर्निंग गैप्स हैं। लर्निंग गैप्स मतलब कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आउटपुट और जो होना चाहिए उसके बीच में गैप है, तो कैसे ब्रिज किया जाए, सेतु कैसे बनाया जाए, बांधा कैसे जाए, पाटा कैसे जाए, उसको मस्ट बी ब्रिज्ड थ्रू द हाईएस्ट क्वालिटी, इक्विटी एंड इंटीग्रिटी इन द सिस्टम फ्रॉम ECCE थ्रू हायर एजुकेशन। हमको कैसे इसको ब्रिज करना है, हमको क्वालिटी प्रदान करनी, गुणवत्ता, इक्विटी, समता, इंटीग्रिटी, हमको सबको साथ में लेके चलना है सिस्टम में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइमरी में करना है, मिडिल में छोड़ देना है, सेकेंडरी में करना है, हायर में छोड़ देना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक हमको ये काम करना है। फिर एजुकेशन मस्ट नॉट ओनली डेवलप कॉग्निटिव कैपेसिटीज, हमको सिर्फ आपकी संज्ञानात्मक क्षमताएं नहीं बढ़ानी है, संज्ञानात्मक में भी दोनों आ जाएगा, बोथ दी फाउंडेशनल कैपेसिटीज ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब हम लिख पढ़ पाए और सवाल आंकिक गणनाएं कर पाए, और हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेसिटीज सच एज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हम तार्किक रूप से सोच पाए, हमारे अंदर समस्या समाधान की क्षमता हो जाए,
बट इसके अलावा हमको क्या करना है, सोशल सामाजिक इथिकल मतलब न्याय परक, इमोशनल सांवेगिक कैपेसिटीज और डिस्पोजिशंस भी आपके अंदर डेवलप करने हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए इन अकॉर्डिंग्स टू एनईपी 2030। फिर द एनईपी मस्ट हेल्प रिक्रूट द वेरी बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन। क्योंकि सब कुछ हम शिक्षा के द्वारा चेंज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि जो टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करे वो बेस्ट हो, समाज का ब्राइटेस्ट हो, वो आए शिक्षक बनने के लिए एट ऑल लेवल्स बाय इंश्योरिंग। तो हम उसको कैसे इंश्योर करें कि बेस्ट जो प्रोडक्ट हो वो टीचर बने, लाइवलीहुड उनको बढ़िया से बढ़िया दे, रेस्पेक्ट करें उनकी डिग्निटी, उनकी ऑटोनॉमी सुरक्षित रहे, बाय ऑल्सो इंस्टॉलिंग इन द सिस्टम बेसिक मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी। और हम गुणवत्ता को नियंत्रित भी करें और अकाउंटेबिलिटी भी होगी कि मतलब हम अगर आपको इतना दे रहे हैं तो आपको भी रिटर्न करना है। फिर प्रिंसिपल्स, देखिए हम थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सारा कुछ एक साथ कवर कर लें। प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पॉलिसी, प्रिंसिपल भी बहुत बढ़िया बढ़िया है कि हमको क्या करना है, गुड ह्यूमन बींग्स बनाने हैं जो क्या कर सके, रेशनल थॉट की क्षमता हो, वो कंपैशन और एम्पैथी रखें, करेज हो, रिसिलियंस हो, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिव इमेजिनेशन विद साउंड इथिकल मूविंग्स एंड वैल्यूज। कहने का मतलब क्या है, जिस्ट क्या है कि हर एस्पेक्ट को डेवलप करना है लेकिन वैल्यूज, इथिक्स और आपका कैरेक्टर, इन सब चीजों को छोड़ना नहीं है, सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की अंधाधुंध दौड़ में भागना नहीं है। फिर इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग इंगेज, प्रोडक्टिव एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग, सॉरी एक सेकेंड, प्रोडक्टिव एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स टू बिल्ड एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड प्रूडल सोसाइटी इज इनवाइसेज बाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे संविधान ने जैसी समाज की कल्पना की है उसी के इन कॉन्सोनेंस इन सिंक विद दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ये एनईपी की रचना की गई है। फिर इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये बहुत आसान है, आप इसे पढ़ जाइए, रिकोगनाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग यूनिक केपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट, हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बाई ऑल स्टूडेंट, ग्रेटरी आसान है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, है ना, मतलब कि कुछ समझाने वाला नहीं है। लचीलापन हो, कोई आर्ट साइंस करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में कोई ऐसा हार्ड सेपरेशन ना हो, सब हमको क्यों, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करके चलना है। मल्टी डिसिप्लिनरी इसका की वर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी इसका की वर्ड है, कंसेप्चुअल एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब रोट मेमोराइजेशन ना हो, सिर्फ रट के ना जाए बच्चा एग्जाम देने, इथिक्स ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर बल है, मल्टीलिंगुअलिज्म, जब हम डाइवर्सिटी की बात करें, जब हम इंटीग्रेशन की बात करें तो हमको सबकी भाषा को लेकर चलना है, लाइफ स्किल्स हमको डेवलप करनी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, मतलब जो असेसमेंट जानते हैं पहले से, एजुकेशन के बच्चे हैं, एजुकेशन की फैकल्टी है, वो सभी जानते हैं कि असेसमेंट क्या है हमारा, फॉर्मेटिव और समेटिव टाइप का होता है। फॉर्मेटिव यानी कि जो आप, वैसे इसमें बहुत फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है, प्रीवियस वीडियो भी है, पर इन जनरल एक लाइन में समझने के लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम रेगुलर इंटरवल पे करते हैं और समेटिव असेसमेंट जो हम एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर करते हैं, तो हमको फॉर्मेटिव असेसमेंट पर बल देना है। टेक्नोलॉजी का यूज करना है, देखिए नई शताब्दी की, ये हमारी 21वीं शताब्दी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो टेक्नोलॉजी को छोड़ नहीं सकते। फिर डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना है, लोकल कंटेक्स्ट को रेस्पेक्ट करना है, फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, सब में एक सिनर्जी मेंटेन हो, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने, कोई डिटैचमेंट ना हो, टीचर्स एंड फैकल्टी इज द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आउटस्टैंडिंग रिसर्च, कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया। बार बार ये कह रहे हैं कि लोकल पे बात कीजिए, बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीयता को मत छोड़िए, है ना, एजुकेशन को पब्लिक सर्विस माना गया है, और सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, ये तो इसके इतने सारे ये सिद्धांत लेकर चला है एनईपी 2020। फिर विजन क्या है, ये देखता क्या है, मतलब भविष्य की अगर हम और देखें तो ये पॉलिसी हमको किस रूप में मिलती है। दी विजन ऑफ द पॉलिसी इज टू इंस्टिल अमंग द लर्नर्स अ डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन। देखिए बार बार ये कह रहा है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कहीं नहीं कह रही है कि हमको कोई दूसरे देश का कुछ अपना लेना है, हमको आधुनिक बनना है, हमको टेक्निकल बनना है, हमको सब अच्छाइयां अपनानी है, लेकिन हमको भारतीयता को नहीं छोड़ना है, नॉट ओनली इन थॉट बट ऑल्सो इन स्पिरिट, इंटेलेक्ट एंड डीड्स, एज वेल एज टू डेवलप नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस दैट सपोर्ट रेस्पॉन्सिबल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिविंग इन ग्लोबल वेलबींग, देयर बाय रिफ्लेक्टिंग अ ट्रूली ग्लोबल सिटीजन। हमको ग्लोबल सिटीजन बनना है पर इंडियननेस को छोड़ना नहीं है। देन अब यहाँ से शुरू होता है, देखिए पार्ट वन, अब जल्दी जल्दी हम लोग ये देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी चीजें, बहुत सारी चीजें बदल दी हैं और सबके अलग नाम आ गए, अलग एब्रिविएशन, लास्ट के 3 पेजेस में तो सिर्फ एब्रिविएशन है,
है ना। और बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार आपके सामने आएंगे तो जरूर आपको उसको याद कर लेना चाहिए। उसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, इसलिए वो पोर्शन मैंने इसमें पुट इन उसमें इसमें नहीं रखा है। फिर स्कूल एजुकेशन को देखिए, जो इतना इतनी बार आप सुन चुके होंगे कि ये जो 10+2 स्ट्रक्चर चल रहा था ऑल ओवर द इंडिया, वो चेंज कर दिया इन्होंने और अब बना दिया है इसको 5+3+3+4। तो हमको ध्यान रखना होगा पहले 12 थे और अब 15 हो गए ना, 5 3 8 11 4 15। तो इन्होंने क्या किया है, 3 जोड़ दिया है। कौन सा ये 3 जोड़ा, यही वाला जोड़ा देखिए, ये जो पहला पहला लेवल दिख रहा है, ये जो 5 है पहला वाला 5 5 ईयर्स, उसमें से 3 साल तो आंगनबाड़ी को दे रहे हैं, जो कि कह रहे हैं 3 से 6 साल तक का जब बालक रहेगा। और अगले 2 साल वो किसको दे रहे हैं, क्लास 1 2 को, यानी कि आप 6 7 8 साल के जब होंगे, जब क्लास 2 तक जाएंगे, इतने में ये कौन सा लेवल है, ये हमारा हो गया इनका कौन सा फाउंडेशनल लेवल। फिर अगला 3 में आप कौन सी क्लासेस पढ़ेंगे, 3 4 3rd 4th 5th पढ़ेंगे और आप 11 साल के हो जाएंगे। अगले 3 में आप 6 7 8 पढ़ेंगे, 14 14 ईयर्स के हो जाएंगे। और अगले 4 में आप 12th क्लास पास आउट हो जाएंगे, 18 ईयर्स के हो जाएंगे। ये इनका स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, जिसको ये कह रहे हैं फाउंडेशनल, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी। और पहली बार जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको ECCE कहते हैं, इसको पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर में शामिल किया गया है। क्यों, क्योंकि ये तो बड़ा, कोई भी आप वो मिल्क अरे हेल्दी ड्रिंक का जब ऐड आता है टीवी पर, तो उसमें कहते हैं ना कि मतलब इसलिए सबको पता होगा कि मनुष्य के जो ब्रेन का विकास है वो शुरुआती 4 साल में 80% हो जाता है, 5 साल में 80% हो जाता है, इस तरीके की बातें करते हैं ना। तो वही चीज इन्होंने ली है, मतलब वो साइंटिफिक फैक्ट है कि जब वहां पर ब्रेन का इतना डेवलपमेंट हो जा रहा है, तो हमको उसको भी अपने सिस्टम में शामिल कर लेना और उसको इतना बढ़िया कर देना है कि आगे आने वाले प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी में वो बच्चा वो स्टूडेंट अच्छे से इंक्लूड हो जाए। ये देखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बहुत इन्होंने बल दिया है, इसको फाउंडेशन ऑफ लर्निंग कहा है। और ये कहा है कि इसकी जो शिक्षा होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल, मल्टी फेसेटेड, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। कैसे होगा ये सब, आपको अल्फाबेट सिखाना है, लैंग्वेज सिखाना है, नंबर सिखाना है, काउंटिंग, कलर, शेप्स, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज, प्ले, पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग, अदर विजुअल आर्ट्स, क्राफ्ट, ड्रामा, पोएट्री, म्यूजिक एंड मूवमेंट। कुछ भी नहीं शेष रह गया, एवरीथिंग। क्यों, इसीलिए आप जो देखिए आप छोटे बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, इवन साधारण स्कूल भी, उसको थोड़ा प्ले वे मेथड से और थोड़ा ड्रामेटिक और थोड़ा सा क्राफ्ट, है ना, इतना सब कुछ आजकल बच्चों में होता है कि आपको ये डे है, ये सेलिब्रेट करना है, ये बनाना है। हम लोग जब छोटे थे तो इस तरह की पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि ये सारी चीजें इतना इतनी इतनी खोजें नहीं हुई थी, इतनी बातें नहीं पता चली थी कि उस वक्त स्टूडेंट को, बच्चे को किस तरीके का वातावरण हमको प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हैं कि हम जब बच्चा फर्स्ट क्लास में एंटर करे, तो वो इतना संज्ञानात्मक और उसके इतने इतने एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट हो चुका हो, कितने एस्पेक्ट का, देखिए ये खुद ही कह रहे हैं, चाइल्ड मस्ट अटेन ऑप्टिमल आउटकम्स इन द डोमेन्स ऑफ फिजिकल मोटर डेवलपमेंट भी हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, कल्चरल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल इथिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट और लिंग्विस्टिक और न्यूमेरिकल स्किल्स का। इतना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए बच्चे का जब वो क्लास फर्स्ट में एंटर करता है, इन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, कोई भी एस्पेक्ट छूटा नहीं है। आप देखिए फिर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमको बनाना होगा क्या, ए नेशनल करिकुलम एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए इतना बड़ा, अगर आपने कभी ये एब्रिविएशन नहीं देखा है तो शायद ही आप कभी इसका बता पाएंगे कि ये क्या है, NCPFECCE। इसको याद डरने की जरूरत नहीं है, ECCE तो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यहाँ से यहाँ तक तो हम जान ही रहे। NCPF सिर्फ क्या है, नेशनल करिकुलम एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। बनाएगा कौन, एनसीईआरटी बनाएगा, क्योंकि हमको पता है स्कूल एजुकेशन का सारा जिम्मा एनसीईआरटी पर ही है। ओके फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ECCE जॉइंटली कौन कौन देखेगा इसको, MHRD देखेगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, WCD। क्यों, क्योंकि हमको छोटे बच्चे के बारे में देखना है, उसके हिसाब से पॉलिसी बनानी है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखेगा और ट्राइबल अफेयर्स भी, क्योंकि हमको सब जनजातीय सबके लिए लेकर चलना है कि क्या करिकुलम होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे लिखाया जाएगा। फिर एक खास बात जो बहुत बहुत जोर देकर NEP में कही जा रही है, वो कह रहा है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को हमको हर हाल में ग्रेड 3 तक पा लेना है, एंड अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू लर्निंग।
हर हाल में हर बच्चा क्लास 3 जब पास करे तो उसको लिटरेसी और न्यूमेरेसी की फाउंडेशनल नॉलेज हो जाए. द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विल बी टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाई 2025. ये मान के चले कि 2025 तक हमको इसको हासिल कर ही लेना है. फिर to this end, a national mission on foundational literacy and numeracy will be set up by the MHRD on priority basis. मतलब कह रहे हैं इसके लिए अभी तक तो था राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, अब होगा नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, क्योंकि हर बच्चा क्लास 3 पास करे तो उसको इतना संख्या का और अंक का ज्ञान हो जाए. फिर देखिए एब्रीविएशन, कितना पॉपुलर एब्रीविएशन है दीक्षा, और कितना सुंदर इसका फुल फॉर्म भी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग. तो बीच बीच में ये भी आएगा, आपको ये पता होना चाहिए. फिर हम लोग देखिए लगभग आधा आ गए हैं जल्दी जल्दी करके, है ना, ताकि हमको सब चीजें जल्दी से पता चल जाए. कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स. ये कह रहे हैं कि कक्षा 6 से 8 तक तो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो GER है वो 90.9% है, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए घटते घटते 79.3 और 56.5% हो जा रहा है. NSSO 2017-18 के हिसाब से नेशनल स्कूल सर्वे है और ये आपका 75वां ये बता रहा है. तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 से 17 साल के 3.22 करोड़ बच्चे ड्रॉप आउट हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, और हमको चाहिए क्या 100% GER टू प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाई 2030 बाई इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एंड कीप प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट्स. और ये मान के क्या चले हैं, विजन क्या है इनका फ्यूचर, ये क्या देखते हैं कि हमको 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो चाहिए, यानी कि हर बच्चा विद्यालय में होना चाहिए. नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, NCLB पॉलिसी चलती है, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड. ये कह रहे हैं कि कैसे होगा कि हमको स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया करिए और ट्रैकिंग रखिए प्रॉपर स्टूडेंट की, कहां क्या उसकी डायग्नोस करिए, कहां क्या दिक्कतें हैं और उसको दूर किया जाए. फिर आगे आपका फिर से क्या कि करिकुलम एंड पेडागॉजी इन स्कूल्स क्या होगा, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक इंटीग्रेटेड एंजॉयबल एंड एंगेजिंग. 5+3+3+4, ये किसी को भी याद हो सकता है कि 10+2 की जगह 5+3+3+4. 5 क्या है फाउंडेशनल, अगला 3 क्या है प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर सेकेंडरी. फाउंडेशनल में फर्स्ट 3 क्या है आंगनवाड़ी और नेक्स्ट जो है वो क्लास 1-2 है. फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे याद रखना है, ठीक. फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो बार बार बात कर रहे हैं, क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये कह रहे हैं कि एट इन ऑल स्टेजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी अडॉप्टेड इंक्लूडिंग क्या क्या होगा, कैसे अनुभव परक शिक्षा दी जाएगी, अनुभव परक अधिगम कैसे होगा, हैंड्स ऑन लर्निंग आप करके सीखेंगे, आर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन दी जाए, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागॉजी, अब तो डिजिटल स्टोरी टेलिंग की बात की जाती है. Among others is standard pedagogy within each subject and exploration of relations among different subjects. यानी कि हर subject को हमको arts integrate करके, sports integrate करके, कहानी सुना के, किसी भी तरह इस तरह से कि आप उसमें लगे रहें, आप उसमें करके सीखें, active participant बने learning में, तब तो वह experiential learning होगा. फिर empower students through flexibility in course choice. क्यों हम बार बार ये बात करें कि flexibility की ही बात है, आप multiple entry exit की बात है, flexibility जिसका जैसे जिसको suitable हो उस तरह से आए पढ़े, तभी तो हमारा क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा, उसको हमको 50% पहुंचाना, अभी 26.3% चल रहा है हायर एजुकेशन में. देन मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, ये कह रहे हैं कि मतलब कि ये पूरा बहुत लंबा सा मैटर था, ये मैंने पूरा नहीं लिया, सिर्फ इतना लिया जितना कि कुछ नया लगा कि हर प्रकार की भाषा को हम अंगीकार करें, स्वीकार करें, उसमें हम टेक्स्ट बनाएं, उसमें हम रिसर्च बुक्स बनाएं, मदर टंग में शिक्षा दी जाए, ये सारी बातों पर बल दिया गया. और कहा गया कि कभी कभी कक्षा 6 से 8 के बीच में हम एक फन एक्टिविटी कर सकते हैं बच्चों के साथ, क्या नाम है उसका, द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव. तो उसमें कुछ प्ले कराएं, कुछ फन कराएं, कुछ क्राफ्ट कराएं, कुछ ड्रामा कराएं, ताकि सबको सारी भाषाओं का की नॉलेज हो सके, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं बिल्कुल खत्म हो रही हैं. देन SSS एक एब्रीविएशन है सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, और STS की बात की गई है संस्कृत थ्रू संस्कृत. अब देखिए संस्कृत के टीचर्स नहीं मिलते हैं ज्यादा, क्योंकि लोग पढ़ना ही नहीं चाहते संस्कृत. फिर करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट स्किल्स एंड कैपेसिटीज. फिर कह रहे हैं कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट जोड़ा जाए. कौन कौन से कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट हैं, समकालीन विषय, यानी कि आज अगर हम उनको नहीं जानेंगे तो पीछे छूट जाएंगे. सजेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर जगह बात हो रही है इसकी. फिर डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ये शब्द कई बार आया, ये एब्रीविएशन ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन GE सीरीज का एब्रीविएशन है, एटसेट्रा. कोडिंग की बात की जा रही है, विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मिडिल स्टेज, है ना. तो सब कुछ नई चीजें हैं, हमको इसको
इंट्रोड्यूस करना है, इनकलकेट करना है. फिर ये क्या कह रहे हैं, ऑल स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन ए 10-day बैगलेस पीरियड सम टाइम ड्यूरिंग क्लास 6 to 8. कह रहे हैं कक्षा 6, 7, 8 के बीच में हमको हर बच्चे को 10 दिन हम बिना बैग के पढ़ाई कराएंगे. उनको हम कहीं विजिट कराएं, लोकल टूर कराएं, कुछ क्राफ्ट्समैन से मिलवाएं, कुछ ऐसा मतलब कि ज्यादा एक्टिविटी ओरिएंटेड हो और कंटेंट को कम किया जाए, ये इनका मूल उद्देश्य है. फिर इट इज प्रपोज टू सेट अप ए नेशनल असेसमेंट सेंटर परख. देखिए कितने सुंदर नाम है और कितना सुंदर इनका फुल फॉर्म भी है. परख कह रहे हैं कि बनाया जाएगा, अभी बनाया नहीं गया, जब तक नहीं बनाया तब तक एनसीईआरटी देखेगा ये कार्यक्रम. सेटअप अ नेशनल असेसमेंट सेंटर. परख मतलब परफॉर्मेंस, ये स्पेलिंग सही कर रहे हैं, परफॉर्मेंस. ए फॉर असेसमेंट, आर फॉर रिव्यू, ए फॉर एनालिसिस, के फॉर नॉलेज एंड एच फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. किस परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट रिव्यू ऑफ एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इस तरह से खुल के आएगा ये. फिर SAS क्या है, स्टेट अचीवमेंट सर्वे सर्वे. NAS क्या है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे. फिर ये क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए. किसका, टीचर्स का. ईच टीचर विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 50 hours ऑफ CPD अपॉर्चुनिटीज एवरी ईयर फॉर देयर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ड्रिवन बाई देयर ओन इंटरेस्ट. मतलब जिसमें उनकी रुचि हो, ऐसा 50 घंटे का कम से कम हर साल जो टीचर है वो CPD अपॉर्चुनिटी में अपने आप को इंगेज रखे. फिर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स की बात की जा रही. कई जगह कई आप लोगों ने देखा होगा NPST ऐसी बात की जाती है. क्या है ये NPST, कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स. ये इन्होंने तय किए हैं, विल बी डेवलप्ड बाय NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसको तय करेगी इन ए रीस्ट्रक्चर्ड न्यू फॉर्म एज ए PSSB प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर द जनरल एजुकेशन काउंसिल इन कंसल्टेशन विद NCERT, SCERT एटसेट्रा. मतलब टीचर्स के लिए बनाए जाएंगे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. कौन बनाएगा, NCTE बनाएगा. किस फॉर्म में बनाएगा, PSSB के फॉर्म में, यानी कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी. कौन, अंडर द जनरल एजुकेशन काउंसिल. लास्ट में आप देखेंगे जनरल एजुकेशन काउंसिल क्या है और किसके किससे कंसल्टेशन किया जाएगा. NCERT, SCERT सभी अपनी कंसल्टेशन इसमें प्रोवाइड करेंगी. और दी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स विल बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड इन 2030 एंड देयर आफ्टर एवरी 10 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिगरस एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ द एफिकेसी ऑफ द सिस्टम. यानी ये नहीं कि एक बार बन गया सिस्टम तो वही चलता रहेगा हमेशा, नहीं, उसको रिव्यू किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा और फिर हर 10 साल में उसको चेंज भी किया जाएगा. फिर टीचर एजुकेशन पे ये क्या बात कर रहे हैं, टीचर एजुकेशन पे ये बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात इन्होंने टीचर एजुकेशन पे की है. टीचर एजुकेशन विल ग्रेजुअली बी मूव बाई 2030 टू मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. ये कह रहे हैं कि हर टीचर एजुकेशन जो कॉलेज हो वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाए. फिर वो कैसे प्रोवाइड करे अपनी ट्रेनिंग. मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी ए 4-year इंटीग्रेटेड BA डिग्री. वो कह रहे हैं कि 4-year इंटीग्रेटेड BA डिग्री ही चलेगी 2030 से. ऑल BA प्रोग्राम्स विल आल्सो एम्फसाइज द प्रैक्टिस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और सभी जो BA प्रोग्राम है जो शिक्षक शिक्षा की शिक्षा देते हैं उनको आर्टिकल 51A जरूर बताना चाहिए, जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज पता, देखिए इनको राइट्स पता रहते हैं ना, ड्यूटीज नहीं पता रहती हैं, तो ड्यूटीज भी पता हो सबको. फिर बाय 2021 अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव NCFTE, देखिए नया नाम फिर से आ गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द NCTE इन कंसल्टेशन विद NCERT बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ NEP 2020. यानी कि नया टीचर एजुकेशन का करिकुलर फ्रेमवर्क बहुत सालों से नहीं आया, तो कह रहे हैं 2021 में बना लिया जाए, मतलब अब तो 2022 आया, मतलब अभी जब भी इम्प्लीमेंट होगा. और किससे कंसल्टेशन लिया जाए, NCERT से और NEP 2020 के, इसमें हम वो भी लेंगे क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे. फिर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही, लर्निंग फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा. इंक्लूसिव एजुकेशन पे मेरा पहले से वीडियो है, आप उसमें उसको इन डिटेल देख सकते हैं. फिर भी इन्होंने जो SEDGs की बात की है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, किसको किसको डिसएडवांटेज कहा है. जेंडर आइडेंटिटी में आप डिसएडवांटेज हो सकते हैं, फीमेल और ट्रांसजेंडर अगर आप हैं. सोशियो कल्चरल आपकी डिसएडवांटेजेस हो सकती है अगर आप SC ST OBC माइनर की हैं. जियोग्राफिकल भी डिसएडवांटेजेस होता है अगर व्यक्ति विलेज का, स्मॉल टाउन, कस्बे का है. डिसेबल्ड हो सकता है वो, लर्निंग डिसेबिलिटी उसको कोई हो सकती है. और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी हम डिसएडवांटेज हो सकते हैं, जैसे अगर माइग्रेंट वर्कर हैं, लो इनकम वर्कर हैं, इस तरीके से. फिर इफिशियंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस फॉर स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर्स. देखिए ये बड़ा लंबा सा डिटेल सा टॉपिक था, इसको मैंने बस इसमें से इसके एब्रिविएशन ही नोट किए. ये कह रहे हैं कि छोटे 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 इतने सारे स्कूल हैं और किसी में कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी वो बेसिक सुविधाएं नहीं जिससे वो एक अच्छा स्कूल बन सकता है, तो क्या किया जाए, आसपास के बहुत सारे स्कूल्स मिला के क्लस्टर बना दिया जाए, तो सब अपने आपस में रिसोर्सेज, टीचर्स और अपने प्लस पॉइंट्स शेयर कर पाएंगे तो बढ़िया होगा.
इसकी बात एजुकेशन कमीशन ने भी कही थी, लेकिन तब ये फुलफिल नहीं हो पाया था, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, लेकिन NEP 2020 भी कह रहा है कि आप स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर बना लें। और SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान को ये क्या कह रहे हैं, समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत ले लिया। SSSA क्या है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, और SQAAF क्या है, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। ओके, फिर ये सिर्फ उतना पोर्शन में कवर कर रही हूँ जितना आप जान लें, तो कम से कम आपको ये लगे कि हाँ आप कम से कम ये जानते हैं कि क्या क्या बातें कही गई हैं, वरना तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और समझने के लिए उससे भी ज्यादा। फिर हायर एजुकेशन के लिए क्या कह रहे हैं, क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, अ न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम। ये कह रहे हैं कि हमको हायर एजुकेशन को बिल्कुल ही दूसरी तरीके से देखना है। क्या करें हम, NSF बनाए सबसे पहले, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, क्योंकि रिसर्च हायर एजुकेशन बहुत गड़बड़ चल रही है हमारे यहाँ। फिर कॉलेजेस को क्या करें, मल्टी डिसिप्लिनरी करें, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। जो मेरा हायर एजुकेशन पे पहला वीडियो है उसमें आप मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट और ABC ये दो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से देख सकते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसको मैंने यहाँ नहीं लिया है इसीलिए, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कॉन्सोलिडेशन, कैसे कह रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि थोड़े समय के बाद ये हो कि ये देखता है दैट एवरी कॉलेज वुड डेवलप इनटू आइदर एन ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। वो कह रहे हैं या तो कॉलेज जो है वो ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज हो जाए, यानी कि वो खुद अपनी डिग्री दे सके, या क्या करे वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो यूनिवर्सिटी का। अगर वो यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है तो क्या होगा, विद अप्रोप्रिएट एक्रीडिटेशन ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस कुड इवॉल्व इनटू रिसर्च इंटेंसिव और डिग्री, या तो वो खुद डिग्री दे पा रहा है या वो किसी यूनिवर्सिटी से का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी को तो डिग्री देनी है। फिर जो ऑटोनोमस है वो क्या करे, वो या तो टीचिंग इंटेंसिव बन जाए या रिसर्च इंटेंसिव, यानी कि या तो रिसर्च पे वहां ज्यादा बल दिया जा रहा हो तो उसको रिसर्च इंटेंसिव कॉलेज कहेंगे, और अगर टीचिंग पे मेन बल दिया जा रहा हो, रिसर्च थोड़ी बहुत चल रही है, तो वो टीचिंग इंटेंसिव हो जाएगा। यानी कि यही दो कैटेगरी आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। तो ये क्या कह रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, कि सबसे पहले तो वो 2030 तक मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाए, क्योंकि अभी अभी तो ऐसे नहीं कह सकते ना कि आप कल मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाइए, तो उन्होंने 2020 किए तो 10 साल दिया कि 10 साल में आप मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाए, यानी कि आप जितने कोर्सेज, फ्लेक्सीबिलिटी, CBCS सारी कुछ चीजें अडॉप्ट करके पहली बात तो मल्टी डिसिप्लिनरी बने, और फिर 2040 तक आप क्या करें, अगले 10 साल में आप करें कि बहुत मतलब स्टूडेंट एनरोलमेंट को बढ़ाएं। फिर टू इंक्रीज द जीआर, देखिए आ गया, इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% टू 50% बाय 2035। ये माना गया है कि 2035 तक हमको 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कर लेना है हायर एजुकेशन में, जो अभी 26.3 है, मतलब हमको दुगुना जाना है, समझ रहे हैं। फिर All higher education institutions will gradually move towards full autonomy, academic and administrative, यानी कि स्वायत्तता अपनाने पर इन्होंने बल दिया है। फिर towards a more holistic and multidisciplinary education, जो एकदम समेकित शिक्षा हो जाए, multidisciplinary हो जाए, यानी कि हमको सारी capacities जो human beings की है वो develop करनी है, intellectual, aesthetic, social, physical, emotional और moral, सभी कुछ। फिर IITs क्यों, क्योंकि देखिए अब जो IITs हैं, जिस जहाँ पे माना जाता था कि सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन ही होती है, वो भी होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी हो गई हैं। क्यों, क्योंकि विद मोर लिखना था, ये कोर हो गया है, विद मोर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, वहाँ पे भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। फिर देखिए नया नाम आ गया मेरू, मेरू का क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इन रिसर्च यूनिवर्सिटीज। फिर और क्या करें, फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन बाय सेटिंग अप स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स, ये सब कुछ किया जाए। फिर ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट्स एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, कैसे होगा, IDP इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस एट ईच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस हो, ताकि हम स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज, प्रोग्राम एक्सचेंज कर पाएं इंटरनेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से। फिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को और एक्सपेंड किया जाए। टीचर एजुकेशन में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2030 तक सिर्फ और सिर्फ वही टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहेंगे जो एजुकेशनली साउंड होंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे। देखिए तीन तरीके के बीएड की बात कर रहे हैं। पहला तो 4 साल का बीएड चले, जिसमें क्या सिखाया जाएगा, आपको पेडागॉजी सिखाई जाएगी और किसी एक जो भी आपका पर्टिकुलर एरिया होगा उसमें आपको स्पेशलाइजेशन दिया जाएगा, यही सबसे मेन बात कर रहे हैं।
लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, चूंकि हमको फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलनी है तो हम सिर्फ एक तरीका नहीं लेके चलेंगे, 2 साल का भी बीएड है किन लोगों के लिए, दोज हु हैव ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम पहले से हैं तो आपको 2 साल का बीएड करना है। फिर अगर आप 4 साल का बीए पहले से ही बीए बीएससी बीकॉम करके आए हैं जिसमें आपने एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में पहले से अध्ययन कर रखा है, तो आप सिर्फ 1 साल 1 ईयर का 1 साल का बीएड कर सकते हैं जिसमें आपको पेडागॉजी सिखाई जाएगी। तो ये 3 तरीके के लेवल, ये हायरार्की लेके चल रहे हैं, 4 साल का, 2 साल का और 1 साल का बीएड। फिर अ नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग शैल बी एस्टैब्लिश्ड विद अ लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग फैकल्टी, रीइमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन, ये कह रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन को भी आप एकदम उसको पूरा आमूल चूल बदल दीजिए। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तो 2013 में बना ही है, वो कह रहे हैं एक नया बना लीजिए, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। फिर कैटलाइजिंग एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स थ्रू अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हो गई, ये देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, अभी हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी सिस्टम क्या है, इतनी सारी है, UGC है, NCT है, AICT है, इतनी सारी आपको नाम ही नहीं याद होंगे, लेकिन वो और हायर एजुकेशन का रेगुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, 4 ही डिस्टिंक्ट फंक्शन है, रेगुलेशन देखना है, एक्रेडिटेशन करना है, फंडिंग देनी है और एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट करनी, यही तो 4 काम मेनली होते हैं। ये कह रहे हैं ऐसा करिए कि एक ही बना दीजिए अम्ब्रेला टर्म और उसी से 4ों काम करवाइए। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम दिया उसको, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और 4ों काम उसी की मतलब वर्टिकल बॉडीज करेंगी। जैसे रेगुलेशन का काम कौन देखेगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नाम दे दिया नया NHERC। एक्रेडिटेशन कौन करेगा, NAC नहीं कर रहा है, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल नहीं है, एक्रेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ एक्रेडिटेशन करेगी। फिर फंडिंग कौन देगा, अभी कौन देता है, UGC, HEGC देगा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। फिर एकेडमिक स्टैंडर्ड कौन सेट करेगा, GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जिसकी बात पहले भी आई थी। ओके, तो लर्निंग आउटकम्स फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम को ग्रेजुएट एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, जब आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात होती है तो इसकी बात आती है। फिर करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन की भी बात की गई है, तो क्या क्या आप सिखा दें कि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी हो, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हो, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन। टेक्नोलॉजी यूज की बात की गई है, टेक्नोलॉजी तो मतलब छोड़ ही नहीं सकते आप। NETF बना दिया जाए, NETF मतलब नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बना दिया जाए, और ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन में क्या किया जाए, इंश्योरिंग इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा ना हो कि किसी को मिल रही है किसी को नहीं मिल रही, इक्विटेबल यूज सबके पास हो, तभी तो डिजिटल हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का जो खाई है उसको हम पाट पाएंगे, उसको हम ब्रिज कर पाएंगे। आई हैव कवर्ड ऑल आई थिंक, यस आई हैव डन इट। ओके, तो बहुत सारा था लेकिन मैंने इसको कोशिश की कि मैं इतना बता दूं कम से कम कि आपको लगे कि हाँ आप बिल्कुल अनजान नहीं है NEP से और पढ़ने लगी है। तो एक ही एक शब्द मैंने आपको कहा, आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, होलिस्टिक, मल्टी डिसिप्लिनरी, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, इतने टॉपिक हैं जिन पे आप हर एक टॉपिक पे एक लेक्चर हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको कुछ नया पता चला होगा। ओके, done from my side.